न उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। दोस्तों गजल क्या होता है, गजल किसे कहते हैं? गजल आपने बहुत सारे सुने होंगे, फिल्मों में सुने होंगे, एल्बम में सुने होंगे, बहुत जगह सुख में भी सुने होंगे, दुख में भी सुने होंगे गजल। तो ये गजल होता क्या है? गजल एक वन ऑफ द डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री। एक लाइन का डेफिनेशन बताऊंगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके साथ साथ आईएएस में जो क्वेश्चंस आते हैं, एएमयू में जो इंडो इस्लामिक कल्चर में क्वेश्चंस आते हैं, देश और विदेश में जितने टाइप्स के कॉम्पिटिशन होते हैं लिटरेचर के, उसमें पूछे जाते हैं कि गजल क्या होता है। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खासकर एक टॉपिक ही होता है इंडो इस्लामिक कल्चर के, उसमें पूछा जाता है कि गजल क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि गजल शब्द कौन भाषा से लिया गया है, गजल कौन से लिटरेचर से में शुरू हुआ था, गजल कितने लाइन का जोड़ा होता है, गजल में मिनिमम कितने जोड़ा होना जरूरी है, गजल में मिश्रा क्या होता है, मतला क्या होता है, बहर क्या होता है, काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होता है, मक्ता क्या होता है, तखल्लुस क्या होता है, और गजल कब शुरू हुआ है। मैं आपको मोटा मोटी आपको एक ट्रेलर दिखा देता हूं, इसमें पूरा गजल के साथ मैं दिखाऊंगा कि तखल्लुस क्या होता है, गजल में मिसरा क्या होता है, काफिया क्या होता है, बहर क्या होता है, मतला क्या होता है, मक्ता क्या होता है। ए टू जेड आपको जितने भी गजल्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और एक लाइन का डेफिनेशंस भी बताऊंगा कि गजल होता क्या है, गजल क्या कहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जिंदगी भर आप याद रखेंगे गजल क्या होता है। तो दोस्तों चलिए फटाफट फर्राटे का शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 5 क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। 5 क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, हर एक कंपटीशन में बनते हैं। उसके बाद मैं एक लाइन का डेफिनेशन बताऊंगा कि गजल क्या होता है। पहले ये 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फटाफट मैं बता देता हूं। पहला का जो आंसर है, पहले ANS आंसर लिखता हूं कि पहला क्वेश्चन का जो आंसर है कि गजल शब्द जो है कौन से भाषा से लिया गया है, तो ये अरबिक भाषा से लिया गया है। अरबिक भाषा से गजल लिया गया है। जो भाषा की शुरुआत हुई थी वो हुई थी कसीदा से, कसीदा, कसीदकारी होती है यानी हस्तकारी जो होती है, हस्तकारी या हाथ से बनाया हुआ चीज है, या इसको बोलते हैं कलाकारी, कलाकारी भी बोल सकते हैं। तो कलाकारी भी आप बोल सकते हैं, हस्तकारी भी बोल सकते हैं, कसीदा भी बोल सकते हैं। ये अरबिक शब्द से लिया गया है गजल शब्द। गजल शब्द कौन से भाषा से लिया गया है? अरबिक से। दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखिए, गजल कौन से लिटरेचर में शुरू हुआ था, तो गजल जो है वो पर्शियन लिटरेचर से शुरू होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि गजल कौन से लिटरेचर से शुरू हुआ था, तो पर्शियन लिटरेचर से शुरू हुआ था। गजल जो शब्द है वो जो शब्द है अरबिक भाषा से लिया गया है, इसका मतलब होता है कसीदा, कसीदा का मतलब होता है हस्तकारी या कलाकारी, राइट। यहां साफ साफ लिख रहता हूं कलाकारी, कलाकारी लिख देता हूं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको साफ करके कलाकारी लिखता हूं। तो कलाकारी होता है, आप लोग समझते हैं कलाकारी क्या होता है, कलाकार जो होता है वही कलाकारी कह सकते हैं गजल को। दूसरा का जो आंसर है, गजल कौन से लिटरेचर से लिया गया है, तो वो है पर्शियन लिटरेचर। तीसरा है, गजल कितने लाइन का जोड़ा होता है, तो गजल में जो होता है वो 2 लाइन का जोड़ा होता है। चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा का आंसर है कि गजल में मिनिमम कितने जोड़ा होना जरूरी है, तो कम से कम 5 जोड़ा जो है वो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, 5 जोड़ा होगा तभी गजल कंप्लीट होगा। क्योंकि गजल में कुछ स्ट्रिक्ट पैरामीटर है यानी रूल्स रेगुलेशंस है, जैसे गजल होता है, नज्म होता है, गाना होता है, बहुत टाइप्स की चीजें होती है। तो गजल जो है, जैसे शेर व शायरी हो गया, गजल हो गया, नात हो गया, नज्म हो गया, कविता हो गया, पोएट्री हो गया, और कह सकते हैं गाना जो गीत होता है। छठवां जो क्वेश्चन है, पांचवा का भी आंसर बताता हूं। छठवां जो क्वेश्चन है कि गजल कब से शुरू हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसका जो आंसर लिखना होगा 7th सेंचुरी से शुरू हुआ था,
सेवन सेंचुरी से शुरू हुआ था, एग्जैक्टली जो है 661 से लेके 750 ईस्वी में शुरू हुआ था। अभी 2020 चल रहा है तो बहुत साल पहले आप देख सकते हैं 661 750 के बीच से शुरू हुआ था, इसको बोल सकते हैं सेवेंथ सेंचुरी से गजल शुरू हुआ था। पर्शियन लिटरेचर से लिया गया है, अरबिक भाषा जो है उससे गजल शब्द आता है और दो जोड़ा एक लाइन में होता है और पांच जोड़ा जरूरी होता है। पांच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका गजल्स का हो गया। अब आपके बताता हूं, ये जो पांचवा क्वेश्चन था कि गजल में मिश्रा क्या होता है, मतला क्या होता है, बहर क्या होता है, काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होता है, मक्ता क्या होता है, तखल्लुस क्या होता है, इसको भी मैं ए टू जेड आपको समझाता हूं क्या होता है। उससे पहले गजल होता क्या है ये बताना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं कि गजल होता क्या है। गजल का मतलब होता है टॉक अबाउट, टॉक अबाउट, इसको मिटा देता हूं, टॉक अबाउट वुमेन, टॉक अबाउट वुमेन, औरतों के बारे में बात करना गजल है, औरत के बारे में बात करना गजल कहलाता है, गजल, गजल कहलाता है, औरतों के बारे में बात करना गजल कहलाता है। इंग्लिश में कह सकते हैं टॉक अबाउट वुमेन इज कॉल्ड गजल। तो दोस्तों गजल के बारे में मैंने बता दिया कि गजल उसे कहते हैं जो औरतों के बारे में बात करना। अगर मान लीजिए कविता हो किसी फल पे, तो फल पे कविता हो सकता है, पानी पे कविता हो सकता है, पानी पे गजल नहीं हो सकता है। गजल मतलब औरत, औरत के बारे में बात करने को ही गजल कहते हैं। लेकिन कविता क्या होता है, कविता कभी पत्थरों पे लिखा जाता है, पानियों पे लिखा जा सकता है, जानवरों पे कविता लिखी जा सकती है, किसी मर्द के बारे में लिखी जा सकती है, बुक्स के बारे में, किताबों के बारे में लिखी जा सकती है, कंप्यूटर, मोबाइल, सबके बारे में लिखी जाती है, कविता हो सकती है। लेकिन गजल की बात करेंगे तो औरतों को ही बात को ही गजल कहते हैं, ठीक है। अब गजल जो है ये गजल का एग्जाम्पल है, ये गजल का एग्जाम्पल है जिसको शफी लखनऊ ने लिखा है। तखल्लुस क्या होता है, तखल्लुस वो होता है कि जिसने गजल लिखता है अगर वो अपना लास्ट में नाम दे देता है तो उसको बोलते हैं तखल्लुस। कभी क्या होता है कि भोजपुरी गाना होता है या हरियाणवी गाना होता है या कोई भी गाना होता है तो लास्ट में जो गायक है वो अपना नाम दे देता है, जैसे पवन हो गया, जैसे रीना हो गया, जैसे मनोवर हो गया, तो नाम लास्ट में लोग ऐड कर देते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल साहब हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, अगर कोई भी कविता या कबीर दास हो गए तो लास्ट में वो नाम लिखने को बोलते हैं तखल्लुस। तो आप क्वेश्चन आता है कि अगर कविता में, अगर गजल में नाम नीचे लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो तखल्लुस बोलते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, चाहे आईएएस में पूछे चाहे इंडो इस्लामिक कल्चर में पूछे। काफिया क्या होता है, काफिया वो होता है कि जो बार बार एक ही शब्द रिपीट होता है लेकिन उसका मतलब अलग होता है, साउंड्स में सेम होता है। जैसे जैसे मैं कुछ शब्द लिखता हूं, दीवाना, दीवाना हो गया, मस्ताना, दीवाना मस्ताना, परवाना, खजाना, खजाना। तो दीवाना मस्ताना परवाना खजाना सब में आखिरी में ना है तो इसको बोलते हैं काफिया। जैसे आवाज, परवाज, आवाज, आगाज, आवाज, ये शब्द एक टाइप से लगते हैं लेकिन मीनिंग अलग है, इसको बोलेंगे काफिया। काफिया मतलब साउंड्स में लगभग लास्ट में सेम हो, लास्ट वाला जो लेटर है वो सेम हो लेकिन शुरू में कुछ भी हो उसको बोलेंगे काफिया। अब मिश्रा क्या होता है, बोलता है ना कि शेर का एक मिश्रा सुनाइए, तो मिश्रा वो होता है जो पहली लाइन कोई भी शेर का या कोई भी जोड़ा है उसका जो पहली लाइन है वो मिश्रा है इसका। जैसे ये भी मिश्रा है, ये भी पहली लाइन है मिश्रा है, ये भी मिश्रा है, ये भी मिश्रा है, तो पहली लाइन जोड़ा का ये एक एक जोड़ा होता है गजल में, एक एक जोड़ा होता है, राइट। तो पहले जोड़ा का या कोई भी जोड़ा का अगर पहला लाइन है उसको मिश्रा बोलते हैं,
ठीक है, पहली लाइन को मिसरा बोलते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब बहर क्या होता है? बहर क्या होता है कि लेंथ ऑफ शेर को, कि कितना बड़ा है, छोटा है, बहर है, बहुत बड़ा बहर है, मतलब बहुत बड़ा है। बहर मतलब होगा लेंथ, लंबाई, लंबाई शेर की लंबाई कितनी है या गजल की लंबाई कितनी है। रदीफ क्या होता है? देखिए, एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है, दुनिया 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 दुनिया। अब काफिया रदीफ में थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है कि लास्ट में ना 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 था, लेकिन शुरू में दीवाना मस्ताना परवाना खजाना था। लेकिन यहां देखिए रदीफ में क्या है कि सेम ही वर्ड्स, सेम ही शब्द, सेम ही लव्ज, दुनिया 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 रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं रदीफ। रदीफ पता चल गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। अब मक्ता क्या होता है? मक्ता इज अ लास्ट शेर ऑफ गजल। गजल है इसका लास्ट जो ये शेर है, लास्ट जो शेर है ये वाला नीचे वाला, इसको बोलेंगे क्या? ये मक्ता है। म आधा क ता मक्ता, मतला म आधा त अल्ला मतला। तो मतला जो है वो पहला पहला शेर गजल का, पहला शेर गजल का मतला है और लास्ट शेर गजल का मक्ता है। तो मतला मक्ता आप रिपीट कीजिएगा, याद रख लीजिएगा। लास्ट है जिसमें टा है। अब देखिए मक्ता मतला लगभग सेम है, लेकिन एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो मक्ता जो है जिसमें टा है, टी है, तो टी लास्ट में आता है। तो और एल क्या होता है? टी एल का ही इसमें गेम है। एल क्या होता है कि टी से पहले आता है। तो जिसमें लास्ट में एल है यानी ऊपर वाला है, जिसमें लास्ट में टी है टा, इसमें ला है, ला मतलब पहले आएगा, टा मतलब लास्ट में आएगा। तो लास्ट वाला मक्ता है और पहले वाला मत ला है, ला। तो आपको मैंने मक्ता बता दिया, मतला बता दिया, इसके अलावा बहर बनाया, लंबाई, रदीफ जो एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है, और काफिया उसको बोलते हैं जो सफिशिएंट के बोलते हैं, लास्ट में ना 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 रहे, या जैसे आवाज, परवाज, आगाज, अंदाज, मतलब लास्ट में एक ही लेटर रहे लेकिन शुरू में कुछ भी रहे, उसको काफिया बोलते हैं। मिसरा मतलब पहले लाइन कोई भी शेर का मिसरा बोलते हैं। तखल्लुस उसको बोलते हैं कि जो शायर, जो गजल लिखने वाला अपना नाम लास्ट में लिखता है उसको बोलते हैं तखल्लुस बोलते हैं। और गजल किसे कहते हैं? औरतों के बारे में बात करने को गजल बोलते हैं। उसके बाद जो गजल शब्द कौन सा भाषा से लिया गया है, तो अरबिक भाषा से गजल शब्द लिया गया है। और गजल कौन से लिटरेचर में शुरू हुआ था, तो पर्शियन लिटरेचर से शुरू हुआ था। गजल कितने लाइन का जोड़ा होता है, तो दो लाइन का जोड़ा होता है। एक गजल में मिनिमम कितना जोड़ा होना जरूरी है? पांच जोड़ा होना जरूरी है। जैसे ये है, इसमें पांच जोड़ा है, ये पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांच जोड़े को ही गजल हो गया। अगर ये ऊपर के सिर्फ चार रहता है तो गजल वो नहीं होता। कम से कम पांच जोड़ा होगा तभी उसको गजल बोलेंगे। और गजल कब से शुरू हुआ था, तो 661 से लेकर 750 से शुरू हुआ था, यानी 17th सेंचुरी में, सातवां शताब्दी में शुरू हुआ था गजल। तो गजल क्या है? वन ऑफ द डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री है, जिसमें पैरामीटर, जिसमें रूल्स रेगुलेशंस है, इसलिए ये टफेस्ट है गजल। तो गजल क्या होता है? औरतों के बारे में बात करना ही गजल होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गजल का जो वीडियो होगा बहुत पसंद आया होगा, बहुत एंजॉय किए होंगे। तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को, यारों को, अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, उनको पता चलेगा गजल क्या होता है। और आईएएस के यूपीएससी में या बीपीएससी में या यूपीपीएससी में, जितने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आते हैं, उसमें ये भी पूछे जाते हैं कि गजल क्या होता है, गजल से क्वेश्चंस भी आते हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो इंडो इस्लामिक कल्चर के आते हैं। तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छाइयां फैलाइएगा कि बुराई ऑटोमेटिक कम हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद दोस्तों।